आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो फौरन सब्सक्राइब कीजिए, साथ ही बेल आइकॉन पर क्लिक करें ताकि मजीद आने वाली वीडियो चाहे वक्तन फवक्तन आप सही कहा सभी साथियों ने कि ये किसी एक पार्टी का मामला नहीं, किसी एक तबके का मामला नहीं, किसी एक इलाके का मामला नहीं है, ये ऐसा मामला है जो सबका है, एक से सौ तक सब इसके अंदर आते हैं। वालों को भी नजदीक है, बातरी वालों को भी नजदीक है, हमें कालेज चाहिए, हम लड़ाई लड़ने के लिए तैयार हैं, लेकिन वो मलानू के लिए, मलानू जो है वो सेंटर प्लेस जगह है और वहां जमीन देने के लिए लोग तैयार हैं, क्योंकि इसके लिए इस कंट्री के अंदर अगर भले ही बिल्डिंगें नहीं भी बनती है लेकिन कम से कम दो चार पांच साल दस साल आराम से काम किया जा सकता है। तो ये चीजें लिहाजा में अपनी पार्टी की तरफ से पहुंचाना है, जैसे किश्तवाड़ में डिग्री कॉलेज के उस हक में जहां वो कितने लड़के शहीद हो गए वहां पे, तो इसी तरीके से हमने भी एक कुर्बानी देनी, ये बहुत बड़ी कुर्बानी है, इसमें कोई पार्टी बाजी नहीं, कोई पार्टी का इसमें जो है एजेंडा नहीं, कुछ नहीं, कोई पार्टी कितना ही जोर लगाए लेकिन हमारा इलाका जो है यहाँ पे जितना जो इलाका है लगभग 13 पंचायतों पे मुश्तमिल है, सभी सरपंच पंच हजरात सिविल सोसाइटी जितने भी लोग हैं एक मेमोरेंडम था इस इलाके के एक प्लेटफॉर्म पे जमा हुआ। असल मकसद ये है कि कई सालों से हम जदोजहद कर रहे हैं, चाहे हमारे आजाद साहब चीफ मिनिस्टर रहे, चाहे हमारे मोहद साहब चीफ मिनिस्टर रहे, चाहे हमारे अहमदुल्ला साहब चीफ मिनिस्टर रहे, चाहे हमारी मैडम महबूबा मुफ्ती चीफ मिनिस्टर रहे, तो तब से आज तक हम यही जदोजहद कर रहे हैं। कभी हम फिजिबिलिटी देते हैं, कभी हम पॉपुलेशन देते हैं, कभी हम अपनी गुर्बत बयान करते हैं, लेकिन आज तक हमें कॉलेज नहीं मिला। तो लिहाजा इसी के ऊपर एक ठहरने के लिए इंतज़ाम किया, रात नाइट स्टे के लिए एक इंतज़ाम किया था उस वक़्त, जिसको सराय के नाम से जाना जाता था, चारवा सराय। उस ज़माने में 1950 की बात है या 47 से पहले, उसमें एक चौकीदार हुआ करता था, लेकिन बदकिस्मती की बात है थोड़ी इलाके में रिलेशन रही, अनपढ़ हम रहे, हमारे बुजुर्ग भी पता नहीं क्या कौन सी रंगत लगी, तो ये इलाका हमेशा पिछड़ा हुआ रहा। लिहाजा हम अपने ये जो एडमिनिस्ट्रेशन है, मैं 22 सरपंच और आप इन आवाम की जो बाशोर आवाम हमारे साथ हैं, कोई यहाँ कोई पार्टी की बात नहीं है, पार्टी की जो इख्तलाफात है वो अपनी जगह है, चाहे जिस पार्टी से ताल्लुक रखते हैं, हम ये सब एक हैं। तो लिहाजा मैं एडमिनिस्ट्रेशन, चाहे हमारे डीसी साहब हैं, चाहे हमारे आज के गवर्नर साहब हैं, चाहे हमारे एडवाइजर साहब हैं, उनसे यही रिक्वेस्ट करता हूँ कि इन बाशोर आवाम की वसादत से हमें आज एक कॉलेज जो मिलने जा रहा है वो मलानू में ही उसका क़याम होना चाहिए। लिहाजा इन्हीं अल्फाजों से मैं रुख्सत होता हूँ। खुदा हाफिज़। यहाँ पे सिविल सोसाइटी से ताल्लुक़ रखने वाले बुज़ुर्ग हजरात, नौजवान साथी, बड़ी खुशी का मकाम है कि आज एक प्लेटफॉर्म पे बगैर किसी पॉलिटिक्स के, बगैर किसी कास्ट के, बगैर किसी ग्रेड के आज हम यहाँ पे जमा हुए हैं। हमारी एक ही पेन है, वो ये पेन है कि हमारे चिल्ली से लेके हमारे दुनदी तक और यहाँ से कोंथल तक, जोड़ा तक और यहाँ से टांटा का जो है सेंट्रल प्लेस जो है वो मलानू है, उसके बारे में हम ये डिस्कस कर रहे हैं कि हमारा जो है जीडीसी कॉलेज जो है गवर्नमेंट डिग्री कॉलेज जो है मलानू नजर उतरता है। इसमें साहब से एडमिनिस्ट्रेशन से हम गुजारिश करते हैं, हम जनाब गवर्नर इंतजामिया से भी गुजारिश करते हैं, इंशाल्लाह जहां हमारी जरूरत पड़ेगी हम भी जाएंगे इस काम को करिए। और मलानू जो है एक डिजर्विंग जगह है और यहां कॉलेज होना लाजमी है। कंडीशन नहीं है, इकोनॉमिकल कंडीशन
معاشی صورتحال اس علاقے کی پتہ ہے ہم لوگوں کو, سب کے لوگ ماں باپ ملازم نہیں ہیں, سب کے ماں باپوں کے پاس بزنس نہیں ہے کہ جو اپنے بچوں کو ہیں اپنے بچوں کو کھاٹی میں پڑھائیں. لہٰذا یہ جو ڈگری کالج کا مسئلہ ہے یہ بنا کسی مذہب اور ملت کسی سیاسی بنیاد پر ہم نے نہیں رکھنا ہے. اب یہ بات ہے کہ کچھ لوگ ہیں کہ جو ہمیں آپس میں لڑانا چاہتے ہیں, کہارا ورسز ملانو کو لڑائیں لوگوں نے, سب نے مل جل کر چاہے کسی بھی پارٹی سے پڑھنا سب کے بچے ہیں. میں اپنا بتا رہا ہوں کہ میں نے نہیں پڑھنا تھا, میں ملانو کالج میں نہیں پڑھ سکتا ہوں. اب جہاں تک میں نے وہاں پڑھنا تھا میں باہر جا کے پڑھا, رفاقت صاحب نے پڑھا, عابد صاحب نے پڑھے, آپ جتنے بھی ہمارے بزرگ ہیں آپ لوگوں نے کسی نے جموں سری نگر بدروار یا کہیں اور پڑھ لیا, اب آج کے بعد آپ اس کالج میں, لیکن ہماری جو نیکسٹ جنریشن ہے انہیں بدوا ہے. بالکل, اس لیے ہمیں اس مسئلے کو بنا کسی پولرائزیشن کے, بنا کسی ڈسکریمنیشن کے, ہم ان لوگوں کو بھی جن میں کہیں میٹنگ سرپنچ صاحب نے بولا کہ کہیں میٹنگ ہوئی مجھے بھی بال آئی, ان کو بھی ہم دعوت دیتے ہیں کہ آپ آ جاؤ. اگر ہم لوگ اندلو ورسز ملانو کریں, کہارا ورسز ملانو کریں گے, تو میری بات یاد رکھنا, آپ سب لوگ بزرگ ہیں, ایکسپیرئنس ہے, بھٹیاس والے اور چلی والے فائدہ اٹھائیں گے اس بات کا, ان میں فائدہ اٹھانا ہی اٹھانا ہے کیونکہ وہ لوگ سب یونائٹیڈ ہیں اور ہماری جو ہے ہم جو ڈیوائیڈیڈ ہیں اس سے وہ لوگ فائدہ اٹھا لیں گے, پھر بعد میں ہمیں سات سال کے بعد ملے گا اس کا کوئی فائدہ نہیں.